नमस्कार दोस्तों, हम जब भी किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं तो उससे पहले हम उस कंपनी के फंडामेंटल को चेक करते हैं या देखते हैं कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड, स्टॉक का टेक्निकल व्यू कैसा है और भी बहुत कुछ देखने के बाद ही हम किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं जिससे हमें एक अच्छी प्रॉफिट मिले। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और ऐसे ही आंख मूंद कर किसी स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं तो यह एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है और हमें एक बहुत बड़े लॉस को झेलना पड़ सकता है। हम जिस उम्मीद से शेयर बाजार में आए थे कि बहुत सारा पैसा कमाना है, वह कभी पूरा नहीं होता और हम अपना कैपिटल लॉस करके मार्केट से क्विट कर लेते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमें एक क्वालिटी बेस्ड और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के शेयर्स में ही निवेश करना चाहिए। आज हम आपको दो ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल रेशियो के बारे में बता रहे हैं जिससे आपको किसी भी कंपनी का एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि यह कंपनी अच्छी है या बुरी, आगे कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट है डेट। डेट हर कंपनी के लिए अहम होता है। यह पैसा जुटाने का आसान तरीका है। डेट का इस्तेमाल कंपनी को विस्तार करने और ग्रोथ करने के लिए किया जाता है। हालांकि कभी कभी यह कंपनी के लिए मुश्किल भी खड़ी कर सकती है। कई बिजनेसेस इस कदर नुकसान में आ जाते हैं कि अपने कर्ज का ब्याज और मूल या दोनों ही नहीं चुका पाते और कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। इसीलिए निवेशकों के लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि कंपनी पर कितना कर्ज है और कंपनी अपने कर्ज को लेकर कितनी अलर्ट और कमिटेड है। किसी भी कंपनी पर जरूरत से ज्यादा डेट नहीं होना चाहिए। कंपनी पर दो प्रकार के डेट होते हैं, एक लॉन्ग टर्म डेट और दूसरा शॉर्ट टर्म डेट। नॉर्मली किसी भी कंपनी पर टोटल डेट 1:1 के रेशियो में होना चाहिए। मतलब अगर किसी कंपनी का नेटवर्थ 100 रुपया है तो उसका डेट भी 100 रुपये तक हो सकता है। उससे ज्यादा डेट कंपनी के लिए सही नहीं माना जाता। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि दो कंपनी ए और बी है। कंपनी ए का नेटवर्थ 10,000 रुपया है और कंपनी पर डेट 5,000 रुपए की है, तो कंपनी का टोटल डेट 1:1/2 के अनुपात में है। मतलब कंपनी ए पर उसके टोटल नेटवर्थ का आधा डेट है, तो हम कह सकते हैं कंपनी ए अच्छी है। उसी प्रकार अगर कंपनी बी का नेटवर्थ 10,000 रुपए है और कंपनी पर 20,000 रुपए का डेट है, तो कंपनी का टोटल डेट 1:2 के अनुपात में है। मतलब कंपनी बी पर उसके टोटल नेटवर्थ का दुगना डेट है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और हम कह सकते हैं कि कंपनी बी बुरी है। कंपनी पर जितना कम डेट रहे उतना कंपनी के लिए अच्छा होता है। अगर कंपनी डेट फ्री है तब तो यह बहुत अच्छी बात है। अब बात करें कि कंपनी के नेटवर्थ और डेट को कंपेयर कहां से करें। सबसे पहले हम गूगल में टाइप करेंगे moneycontrol.com। अभी हमारे सामने moneycontrol.com का पेज ओपन हो गया है। यहां सर्च बार पे कोई स्टॉक सर्च करेंगे, जैसे यहां मैं सर्च करता हूं इन्फोसिस। तो अभी हमारे सामने इन्फोसिस का पेज ओपन हो गया है। यहां पर हम फाइनेंशियल वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां फर्स्ट में बैलेंस शीट का ऑप्शन दिया है, यहां पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर दो ऑप्शन है, न्यू फॉर्मेट और ओल्ड फॉर्मेट, तो हमें ओल्ड फॉर्मेट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर भी दो ऑप्शन है, स्टैंडर्ड लोन और कंसोलिडेटेड। स्टैंडर्ड लोन का मतलब होता है कि कंपनी के सिर्फ कोर बिजनेस के डाटा को ही दिया जाता है, और कंसोलिडेटेड में कंपनी के सब्सिडरी और कोर बिजनेस दोनों का मिला के डाटा को दिया जाता है, तो कंसोलिडेटेड को देखना अच्छा होता है। तो अभी हमारे सामने बैलेंस शीट ऑप्शन हो चुका है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर जाके कोई भी स्टॉक को सर्च करेंगे। उसके बाद यहाँ फाइनेंशियल वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद बैलेंस शीट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, फिर ओल्ड फॉर्मेट और फिर कंसोलिडेटेड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नेटवर्थ कंपनी का जो है मार्च 2020 में 65,450 करोड़ रुपये की है और इस पर डेप 0 है। मतलब उससे पहले मार्च 2019 में भी कंपनी पे किसी प्रकार का कोई डेब्ट नहीं था। उसी तरह मार्च 18, मार्च 17 और मार्च 16 कंपनी पर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में कोई डेब्ट नहीं है। मतलब ये पूरी तरह डेब्ट फ्री कंपनी है, तो हम कह सकते हैं ये कंपनी बहुत अच्छी है। उसी तरह एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एक वोडाफोन आइडिया लेते हैं। यहाँ देखिए वोडाफोन आइडिया का नेटवर्थ है मार्च 2020 में 5,979 करोड़ रुपए और कंपनी पे डेप्थ है 96,000।
मतलब उसके नेटवर्क का 10 गुना या 20 गुना डेब्ट ले रखा है कंपनी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी कभी भी डिफॉल्ट और बैंकक्रप्ट हो सकती है। इसके पहले वाले फाइनेंशियल ईयर मार्च 2019 में कंपनी पर 59,000 करोड़ का नेटवर्क है, वहीं कंपनी पर 1,08,000 करोड़ का डेट है जो कि बहुत ही रिस्की हो सकता है। तो यह कंपनी, हम कह सकते हैं कि यह कंपनी बहुत बुरी है। इस तरह के कंपनी से हमें दूर रहना है दोस्तों। एक और एग्जाम्पल लेते हैं टेक महिंद्रा। इसका नेटवर्क मार्च 2020 में 21,813 करोड़ रुपए थी और इस पे डेट जो था वह है 2,428, जो कि 1:1 से बहुत कम है। यह एक अच्छी बात है। इससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में देखिए तो कंपनी का नेटवर्थ 21,514 करोड़ रुपए है और कंपनी पर 1,404 करोड़ का डेट है, जो कि अच्छी बात है। तो यह कंपनी भी हम कह सकते हैं अच्छी है। एक और कंपनी लेते हैं आलोक इंडस्ट्रीज। आलोक इंडस्ट्रीज का नेटवर्थ देखिए तो इसका नेटवर्थ माइनस में है, -14,000 करोड़ का डेट है मार्च 2019 में, और कंपनी का जो डेट है वह 23,803 रुपये है और कंपनी का नेटवर्थ -14,000 करोड़ रुपये है। मतलब कंपनी का नेटवर्थ कुछ है ही नहीं, जो है वो भी माइनस में। तो यह कंपनी बहुत ही रिस्की है। तो इस तरह के कंपनी से दूर रहना ही अच्छी बात है, नहीं तो बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है और हमारा सारा कैपिटल लूज हो सकता है। एक और कंपनी को देखते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसका नेटवर्थ है 8,229 और इस पर डेट है 0। इससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में मार्च 2019 में 7,867 करोड़ रुपये का नेटवर्थ है और इस कंपनी पर डेट है 99 करोड़ रुपये, जो कि बहुत अच्छी बात है। यह भी हम कह सकते हैं कि यह कंपनी डेट फ्री है। तो यह भी कंपनी बहुत अच्छी है। तो इस तरह के कंपनी में हमें निवेश करना चाहिए दोस्तों। हमें ऐसी कंपनी के शेयर्स में ही निवेश करना चाहिए जो डेट फ्री हो या जिन पर कम से कम डेट हो। हमारा सेकंड रेशियो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदने से पहले उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी चेक करना बहुत अनिवार्य है। हमें यह देखना होता है कि कंपनी ने अपने शेयर्स बैंक के पास प्लेस तो नहीं रखा, प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी कम तो नहीं किया, और भी बहुत कुछ देखने के बाद ही हम शेयर्स को बाय करते हैं। सेबी के गाइडलाइंस के अनुसार किसी भी कंपनी में प्रमोटर शेयर होल्डिंग 75% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली किसी भी कंपनी में 40-50% की प्रमोटर शेयर होल्डिंग को अच्छा माना जाता है। अगर प्रमोटर कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं तो इससे यह संकेत मिलता है कि प्रमोटर को भरोसा है कि फ्यूचर में कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी और शेयर प्राइस बढ़ेगा। और अगर प्रमोटर कंपनी में अपनी हिस्सेदारी कम करते हैं तो यह संकेत मिलता है कि स्वयं प्रमोटर को ही अपनी कंपनी के फ्यूचर में अच्छे परफॉर्मेंस का भरोसा नहीं है। अगर किसी कंपनी के प्रमोटर ने अपनी ज़्यादातर शेयर को प्लेज रखा है या वह धीरे धीरे कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को कम कर रहा है तो यह एक नेगेटिव साइन माना जाता है और हमें ऐसी कंपनी से दूर रहना चाहिए जिनका ज़्यादातर शेयर प्लेज है। अगर किसी कंपनी में FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर और DII यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने निवेश किया है तो यह एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। नॉर्मली किसी भी कंपनी में 8-10% की शेयर होल्डिंग FII और DII के पास है तो यह एक अच्छी साइन माना जाता है। अब हम कुछ लाइव एग्जांपल को भी देखते हैं। उसी प्रकार सबसे पहले गूगल में टाइप करते हैं moneycontrol.com। अभी हमारे सामने मनी कंट्रोल का पेज ओपन हो गया। यहाँ सर्च बार में हम टाइप करेंगे कोई भी स्टॉक, जैसे मैं एक स्टॉक टाइप करता हूँ डिश टीवी। यहाँ हमारे सामने डिश टीवी का पेज ओपन हो गया है। यहाँ डिश टीवी के शेयर होल्डिंग पैटर्न वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो अभी हमारे सामने डिश टीवी का शेयर होल्डिंग पैटर्न ओपन हो गया। यहाँ देख सकते हैं आप प्रमोटर शेयर होल्डिंग जो है वो मार्च 2020 में 58.18% थी और उसमें भी जो प्लेज है वो 93.46% जो शेयर है वो प्लेज है बैंक के पास। तो यह बहुत बड़ा रिस्क है, मतलब लगभग सारा का सारा शेयर प्रमोटर का वो प्लेज है बैंक के पास और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज के पास। FII के अच्छी हिस्सेदारी है इसमें 11%, DII में इसमें 16% का स्टेक लिया हुआ है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन देख के हमारा जो है वो ध्यान जाना चाहिए कि इसमें 93% शेयर प्लेज है, तो ऐसी कंपनी से हमें दूर रहना। उसी तरह एक और स्टॉक को सर्च करते हैं, जैसे हम सर्च करते हैं आलोक इंडस्ट्रीज। तो इसमें जाके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आलोक इंडस्ट्री में भी 6.15% का प्रमोटर शेयर होल्डिंग है
और उसमें भी 99.99%, मतलब लगभग सारा का सारा शेयर जो है वह इनका प्लेज है बैंक के पास। इसमें FII ने भी कम इन्वेस्ट किया है, तो यह भी एक साइन है कि इस तरह के स्टॉक से हमें दूर रहना है। यह स्टॉक कभी भी बैंकक्रप्ट और डिफॉल्ट हो सकती है और हमारा सारा का सारा कैपिटल डूब सकता है, तो ऐसी कंपनी से हमें दूर रहना है। एक और स्टॉक को सर्च करते हैं, जैसे इन्फोसिस ही सर्च करते हैं। तो अभी हमारे सामने इन्फोसिस का पेज ओपन हुआ है, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न वाले सेक्शन पे क्लिक करके चेक करते हैं कि क्या है। तो इसमें देखिए जून 2020 में जो प्रमोटर शेयर होल्डिंग है 13.16% है और प्लेजिंग कुछ नहीं है। इसके किसी भी फाइनेंशियल ईयर में कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है, जीरो है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यहाँ देखिए FII ने इसमें 30% का स्टेक लिया हुआ है और DII ने इसमें 46% का स्टेक लिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड ने भी इसमें 13.84% का शेयर खरीदा हुआ है, तो यह कंपनी बहुत अच्छी है और इस तरह के ही शेयर्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी कंपनी के ऊपर बहुत सारा डेट है और कंपनी के ज्यादातर शेयर बैंक के पास प्लेज हो, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि वह स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड। दोस्तों, आप इन दो रेशियो को देखने के बाद आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि इस तरह के स्टॉक से दूर रहना ही अच्छा है। एक अच्छी प्रॉफिट कमाने के लिए आपको हमेशा एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में ही निवेश करना चाहिए। दोस्तों, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हम आगे भी ऐसे ही आसान भाषा में आपके लिए शेयर मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक जहां भी रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। धन्यवाद।